प्रयागराज पुलिस की बड़ी कामयाबी। अतरसुईया थाना क्षेत्र में सुबह सुबह गौकशी के लिए ले जा रहे 13 बछड़ों को अतरसुईया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ड्राइवर मौके से फरार, लेकिन गाड़ी सहित बछड़े हुए बरामद। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे के करीब एक गाड़ी जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पास लगा हुआ था, उस गाड़ी में 13 बछड़ों को लाद कर कौकशी के लिए ले जा रहे थे, लेकिन अतरसुईया पुलिस की तत्परता ने उस गाड़ी को तुरंत किया गिरफ्त पकड़ा गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन गाड़ी का मालिक मौके पर धरा गया और उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि ये बछड़े कहाँ से लाए जा रहे हैं और कहाँ पहुँचाया जा रहे थे। इस तरह की गौकशी का काम और कहाँ कहाँ हो रहा है। भैया कौन जगह है, कौन पूछ रहे हैं? बेली, बेली, बेली कैसे आ जा पा रही? बेली पांडे बेली, बेली है, बुला लो कहते हैं यहां जा। हां अंदर ले, हां अंदर ले, रुक जा यहां उतर जा सर। अबे कहां यहां इकट्ठा, अरे गाड़ी पकड़ के बाहर ना जानवर है। हां गाड़ी ले जाइए, जीप वही खड़ी बा थाने। हां पानी हां डाक नीचे ऊपर लाते गए हैं। हां चलो उस दिन जिंदगी और बढ़ गई तुम लोगों की। देखो ना सब लोग लड़ाई लगे हो गया यार। ऊपर बैठे हैं, दवाई हुए उनका, दवाई करवाते हैं होंगे ना। हाँ दवा। अभी तुमको एक पर्ची देंगे जी ना, पर्ची देंगे वो दिखाए। लाडे वाला पूरा जुगाड़ बना बहु और क्या, मजाक है का? कहीं भी गाड़ी खड़ी कहीं लाभ कर देंगे। अरे ऐसे एक दो तीन चार निकाले मिलने वाला जो अंदर है तुरंत पानी ना पिलाया बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, आराम से बात। गिनती कर कसाई को तो ऐसे ही काट के फेंका जाए, मजाक नहीं करते थे। वाले ड्रम गुने जाओ बजाओ जाओ से ऊपर रन भाई है वो तो खाली खाली स्वीट धामे न मत देख भाई लिखला चला गया उन्हें डाबू डेट हम आठ मिनट ना आओ का हमारी तो बड़ी बड़ी डीसीएम देखो चहेड़ के नई गाड़ी से चहेड़। ज्ञात हो कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वाइन शॉप के बाहर अवैध रूप से शराब बेचती हुई एक गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें से लगभग 2 लाख रुपए की शराब बरामद हुई थी, जिसके चलते आज आबकारी विभाग ने उक्त दुकान के सभी माल का मिलान करने के बाद दुकान को सील कर दिया है एवं दुकान के मालिक का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए कोर्ट को आवेदन भी भेज दिया गया है। 4 अप्रैल को इस दुकान पे कोई क्रेता जो है सेल्समैन के माध्यम से चुपचाप चोरी से यहाँ से शराब निकलवा रहा था, वो पकड़ा गया था। जब लॉकडाउन चल रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अतिरिक्त सारी दुकानें बंद हैं, तो शराब की दुकानें भी पूरे प्रदेश में बंद हैं। उसके बाद भी ये चोरी छुपे बेचे जाने की घटना प्रकाश में आई, इनके विरुद्ध FIR भी कराई गई है। उसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को संस्तुति देकर इस दुकान का अनुज्ञापन निलंबित कराया गया और इनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। क्या दुकान ये दुकान मालिक भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी दुकान मालिक की नहीं हुई है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। चाबियाँ उपलब्ध नहीं थी, दुकान मालिक अन्य जिले के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, उनसे चाबियाँ मंगवा करके आज इस दुकान में मदिरा की गणना करके से सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे दोबारा ये कोशिश न कर सकें बेचने। ठीक है।